अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हरी चटनी जो हलवाई बनाते हैं, सैंडविच और चाट वाले बनाते हैं, वैसी तीखी और गाढ़ी चटपटी चटनी बनाने की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम चटनी बनाते हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में 4 टेबल स्पून भुना हुआ चना दाल को डाल लूंगी। इससे क्या होगा, हमारी चटनी गाढ़ी रहेगी, थिक और क्रीमी रहेगी और चटनी का रंग हरा बरकरार रहेगा। और इसमें डालेंगे एक जोड़ी हरा धनिया, उसे मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और उसे डंडियों समेत डाल लिया है मैं हरे धनिये को। डंडियों का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी रहती है। अब इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियों को डालेंगे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा उसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, उसे भी इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर 5 हरी मिर्च को ली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को ले। ये तीखी, बहुत तीखी मिर्च है ये, आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो और ज्यादा डाल सकते हैं। एक मुट्ठी भर पुदीना मैं यहाँ पर ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून जीरा। अब इसमें डालेंगे 1 लेमन जूस, 1 टेबल स्पून नमक। आप यहाँ पर खड़े नमक को भी ले सकते हैं या काले नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेगुलर यूज होने वाला नमक मैं ली हूँ, काला नमक होता। अब इसमें आधा कप उतना पानी मैं डालूंगी, ज्यादा नहीं। अब इसमें इसे मैं फाइन पेस्ट में पीस लूंगी। ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। आप इसी कंसिस्टेंसी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें दही या थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है हमारी चटनी की, बिल्कुल हलवाई चाट वालों जैसी चटनी बनकर हमारी तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए पुदीने और धनिये की मजेदार खुशबूदार चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को सैंडविचेस, शेवपुरी, समोसाज, कचौरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चटनी को एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में 8 से 10 दिन तक स्टोर कर लें। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने दुआओं में हमें याद रखें। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।